मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मेरे फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरी फेशियल सिमेट्री बहुत अच्छी है, मगर जब मेरी कोई फोटो ले लेता है दैट ऑल वेंट्स डाउन। मैं जब भी मतलब किसी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ आई लुक गुड, मैं जब भी किसी कार के खिड़की के सामने खड़ा होता हूँ, मैं जब भी किसी के घर की खिड़की के सामने खड़ा होता हूँ, किसी शीशे के सामने खड़ा होता हूँ आई लुक गुड। बट कोई अगर मेरी पिक ले ले तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि यार पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि यार एक प्लास्टिक सर्जरी कितना कॉस्ट करेगी, तब मैं सोचने लग जाता हूँ यार घूम फिर के तो मरना ही है तो अच्छा दिखने का क्या फ़ायदा। मैं बताता हूँ कि तुम मिरर में ज़्यादा अच्छे क्यों दिखते हो और फोटोज़ में बेकार क्यों, लेकिन उससे पहले स्टॉप क्राइंग। तुम जैसे भी दिखते हो, दिखते तो हो ना, एटलीस्ट यू आर बॉर्न। तो अगर तुम इसी माइंडसेट से रहोगे कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, आई लुक फकिंग शिट, तो वीडियो लीव कर दो, बिकॉज इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू, ये तुम्हें ओवर इनसिक्योर कर देगी। तो चलो इससे अपने वे से निकालते हैं। अगर तुम्हें वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट आता है लाइट डिफरेंस। तुम शीशे के सामने जो होते हो ना, मोस्ट प्रॉब्ली शीशे के ऊपर एक लाइट होती है वॉश बेसिन के सामने, और क्या होता है वो लाइट जब तुम्हारे पे पड़ती है तुम और बेटर दिखते हो। और कोई कैमरा से खींच रहा है तो कैमरा की उतनी अच्छी लाइट नहीं होती, कहाँ खींच रहा है, सनलाइट में खींच रहा है, सनलाइट कभी कभार पीछे से आ रही होती है तो तुम अच्छे नहीं दिखते, कभी कभार शाम को फोटो खींच जाते हो तो अच्छे नहीं दिखते, अगर तुम अंदर घर की लाइटों पे स्टेबल हो तब तो तुम बहुत बुरे दिखोगे। तो लाइटिंग का डिफरेंस बहुत पड़ता है। मिरर के सामने तुम बेटर इसलिए दिखते हो क्योंकि जो लाइट है वो अपफ्रंट होती है। क्या होता है ना, मिरर थोड़ा सॉफ्ट होता है, और जब वो सॉफ्टर मिरर क्या करता है तुम्हें ओवर अट्रैक्टिव सीम कराता है, बिकॉज जब मिरर सॉफ्ट है तो तुम्हारे फेशियल फीचर्स को भी वैसा दिखाएगा एंड यू विल लुक बेटर। अब सेकंड पॉइंट आता है कैमरा डिस्टॉर्शन। देखो बिलीव मी और नॉट, तुम्हारा जो कैमरा है तुम्हारे फेशियल फीचर्स को बड़ी बार डिस्टॉर्ट कर देता है, वो उन्हें डिग्रेड कर देता है, और हर एक कैमरा से कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर तुम बहुत पीछे चले जाओगे तो जो फेशियल जो तुम्हारा डिस्टॉर्शन होना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और जितना तुम आगे आओगे उतना ज़्यादा होगा, तो जो फेशियल फीचर्स होंगे वो खराब होते जाएंगे। तुम जितना क्लोज होंगे बैक कैमरा से उतने नहीं होंगे, बट फ्रंट कैमरा से बहुत ज़्यादा होंगे। दे लिटरली फकिंग डिस्ट्रॉय योर फेशियल फीचर्स। उसके बाद आता है मिरर रिवर्सल। देखो जो तुम मिरर में देखते हो ना, दैट इज़ नॉट यू, वो तुम्हारी एक पिक है जो कि इन्वर्टेड है, और जो तुम मिरर में दिखते हो वो तुम असली जिंदगी में नहीं दिखते। क्या करो, अभी अपनी फ्रंट कैमरा से एक पिक ले लो, ये मैंने ली, अब एडिटिंग में जाके इसको इन्वर्ट कर दो। दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली लुक, दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली सी अदर्स। मैं ऐसा नहीं दिखता हूँ बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, लेकिन अगर तुम मुझसे वीडियो कॉल पे आओगे यू विल सी हाउ आई लुक, क्योंकि तुम्हारी वीडियो कॉल पे मैं इन्वर्ट होके आऊँगा। कोई तुम्हारी बैक कैमरा से पिक लेगा तो तुम कहोगे क्या अजीब लग रहा हूँ मैं। या इट हैपन्स बिकॉज ऑफ मिरर रिवर्सल। फोर्थ आता है पोजिंग एंड एंगल्स। जब तुम मिरर के सामने हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है पोज करने का, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है वैसा दिखने का, और ऑफकोर्स तुम जो भी एंगल में चाहो वो, क्योंकि मिरर इतना बड़ा है तुम जैसा चाहो वैसा दिख सकते हो, बट इट डजेंट क्वाइट वर्क विद फोन, डज इट। उसके बाद आती है फेशियल सिमेट्री। देखो जब तुम्हारा फेस है अगर वो पूरा टेढ़ा हो गया तो जो फेशियल एसिमेट्रीज होगी वो तुम्हें विजिबल होगी। बेशक अगर तुम किसी के सामने बात कर रहे हो उसे नहीं दिखेगी वो फेशियल एसिमेट्रीज, मगर तुम क्या करते हो, तुम अपनी शक्ल को देख रहे हो शीशे में, तुम हमेशा उसी शक्ल से वाकिफ हो, और क्या होता है जब वो शक्ल तुम्हें इन्वर्टेड दिखती है तो तुम्हें पता चलता है कि यार मेरी नाक यहाँ से बड़ी है और यहाँ से छोटी है, मेरा चिन यहाँ से ज़्यादा दिख रहा है यहाँ से उतना नहीं दिख रहा, मेरी जॉ यहाँ से कम पड़ रही है और यहाँ से ज़्यादा पड़ रही है, मेरी ये आँख बड़ी है ये आँख छोटी है। ऐसे तुम्हें उतना पता नहीं चलेगा मिरर से, लेकिन जब भी कोई बैक कैमरा से पिक लेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा ये सब। दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद आती है कैमरा क्वालिटी। देखो अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है तुम रहने दो, क्योंकि देखो मुझे पता है भाई सैमसंग वगैरह है, बट ट्रस्ट मी अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है सो यू डोंट नो एक्चुअली हाउ यू लुक इन कैमराज। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा कैमरा तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब एंड्रॉइड के फोन्स होते हैं उसमें तुम ठीक से नहीं देख पाओगे अपने आप को, मगर जो आईफोन है उसमें तुम ठीक से देख पाओगे। इधर मेरे पास भी आईफोन नहीं है तो ये मैं सोचो कि मैं कोई बड़ा ईगो है मेरे अंदर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आईफोन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे एंड्रॉइड के फोन्स जो होते हैं उनकी कैमरा क्वालिटी उतनी मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी नहीं होती, और तुम्हारे वो जो दोस्त का वीवो का फोन है जिसे वो तुम्हारी पिक्चर ले रहा है और फिर वो तुम्हें दिखा रहा है और फिर उस देख के तुम कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे, तुम बुरा फील कर रहे हो, दैट आई लुक बैड। देखो वो वीवो का फोन ही है घूम फिर के, यू डोंट लुक लाइक दैट, दैट इज़ अ वीवो फोन कैप्चरिंग यू, और आंखें जो होती है वो एक कैमरा से बहुत डिफरेंट है। अब सेवन थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। मानो या ना मानो लेकिन पिक के अंदर अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं हो, तुम थोड़ा ऐसे अजीब सा फील करो तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस जब आएगा नहीं तुम अच्छे नहीं दिखोगे, मिरर के सामने तो तुम्हें और कोई देख भी नहीं रहा, इट इज़ जस्ट यू, सो यू विल ऑफकोर्स फील कॉन्फिडेंट। अब एंड आता है फोटो टाइमिंग।
तुम्हारी फोटो कब खींची जा रही है? क्या जब तुम्हारी आंखें बंद हो रही है? क्या जब तुमने अपनी पूरी सांस रोक के रखी थी उसके एक सेकंड बाद खींची जा रही है? अब फोटो टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है, इसलिए जब भी तुम मतलब चल वगैरह रहे हो, तुम किसी ग्रुप के साथ ऐसे तुमने कोई पोज हिट किया और फिर तुम थोड़ा सा हिल गए और फिर वो क्लिक पिक आती है तो क्या होगा? ऑफकोर्स तुम्हारा पोज बेकार हिट हुआ है। सो प्रीटी मच दैट्स ऑल द फैक्टर्स दैट इफेक्ट योर फोटोज। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन बुक अ वन ऑन वन कोचिंग कॉल विद मी ऑन इंस्टाग्राम और सब्सक्राइब कर दो तो करना है। बाय।